ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म करते हुए सीबीएसई ने फिर से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू करने का फैसला किया है। यानी अगले सत्र 2018 से 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को बोर्ड परीक्षा देनी होगी। नए नियमों के मुताबिक 80% अंक इम्तिहान के होंगे और 20% स्कूल में हुई परीक्षा के। इसके साथ ही सीबीएसई ने केंद्र सरकार से हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाने के त्रिभाषा फार्मूले को 9वीं और 10वीं कक्षा में शामिल किए जाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि साल 2011 से सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम को वैकल्पिक कर दिया था। इसके मुताबिक उच्च माध्यमिक में पढ़ने वाले छात्रों के पास परीक्षा में बैठने या नहीं बैठने का विकल्प था, लेकिन सीबीएसई की ओर से कराए गए एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम अनिवार्य होना चाहिए। दरअसल राज्य सरकारों, छात्रों और अभिभावकों समेत शिक्षाविदों ने परीक्षा खत्म होने से शिक्षा की गुणवत्ता में आई गिरावट पर चिंता जाहिर की थी। हालांकि जो छात्र इस साल 10वीं की परीक्षा देंगे उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा, वे पुराने नियम के अनुसार परीक्षा देते रहेंगे। सीबीएसई के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि जो छात्र इस साल 10वीं की परीक्षा देंगे उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा, वे पुराने नियम के अनुसार परीक्षा देते रहेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।